हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। हम बनाएंगे फ्राइड राइस। आप सोच रहे होंगे कि फ्राइड राइस है तो इंटरेस्टिंग कैसे, क्योंकि तो फ्राइड राइस तो सब लोग बनाते हैं, एंड कथकली का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्योंकि एक बार बोल रही है कि वेट लॉस जर्नी पे है एंड देन बोल रही है राइस खाना है वो भी फ्राइड वाला। नहीं दोस्तों, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपना टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो रेसिपी है जो मैं आए दिन ट्राई करती रहती हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँ। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाना है। अगर आप सीखते हैं और आपको अच्छा लगता है बनाने के बाद ये रेसिपी, तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड ऑल्सो, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो वो बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाना है आज का रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, कैप्सिकम, यहाँ मैंने तीन तरह का लिया है, ग्रीन, येलो एंड रेड, गाजर, स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिलीज। मैंने राइस पहले से बना के रखा है। मैंने आज यूज़ किया है ब्राउन बासमती राइस दावत का। ऑयल ले लेना है पैन में, और उसको मैंने अराउंड एक टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहिए तो इसके जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपका चॉइस है। फिर मैं ऑयल को हीट होने के लिए रखा है, एंड उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से 3-4 क्लोव्स गार्लिक के, उसको मैंने चॉप किया है छोटा छोटा करके, तो उसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो इसको मुझे बेसिकली बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर डालना है इस अपने फ्राइड राइस में। तो देखिए मेरा गार्लिक ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अपना प्याज। प्याज को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करूँगी, उसको कुक करूँगी। बाकी के वेजीज एक बार में ऐड नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अनियन पक गया है, अब मैं अपनी बाकी के वेजीज ऐड कर दे रही हूँ। आप यहाँ पे वेजीज़ का चॉइस कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप चाहिए तो कोई भी आपके फेवरेट वेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीज़ ये सब यूज़ कर रहे हैं तो फिर मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, थोड़ा सॉफ्ट कर लें। बाकी चॉइस आपका है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं वेजीज। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बाकी के वेजीज मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले ये वाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, ये रेसिपी बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। बहुत इजी है रेसिपी देखिए, बट देन बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। आज मैं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी मसाला, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बिकॉज मेरे पास फ्राइड राइस मसाला था नहीं। एंड आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे फ्लेवर के हिसाब से मुझे बिरयानी मसाला पसंद है इसमें, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से क्रिएटिव हो सकते हैं, मसाला जो भी आपको अपने राइस में पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने पहले से थोड़ा कॉर्न था मेरे पास तो मैंने बॉयल करके रखा था, उसको मैं ऐड कर रही हूँ, एंड स्प्रिंग अनियन एंड जो ग्रीन चिलीज़ है उसको भी ऐड कर रही हूँ। इसको हम कुक कर लेंगे थोड़ा सा, 1-2 मिनट, ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, थोड़ा रॉ रॉ ही रखना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड फिर अपना राइस ऐड करेंगे। अब देखिए मेरा राइस जो है वो इतना खिला खिला इसलिए है क्योंकि मैं इसको ना सीटी नहीं डालती हूँ प्रेशर कुकर में, तो इसको मैं अपने पैन में ही बनाती हूँ। एक थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल के, एंड फिर उसके बाद बनने के बाद इसको मैं पानी को छान लेती हूँ, तो मेरा राइस बहुत खिला खिला सा बनता है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब इसको हमें मिक्स कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। अब देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, मेरा रेडी हो गया है राइस। इसमें चाहिए तो आप ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा लगा ना, मुंह में पानी आया ना, तो चलिए फटाफट से आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी, एंड बनने के बाद इसको आप अपने किसी भी फेवरेट करी के साथ खा सकते हैं, जैसे कि पनीर करी या चिकन करी, एग करी या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। इसको सादा ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है ये। चलिए ट्राई करिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
चलिए फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप खुश रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।